Hey guys, this is Rajkaran here and I'm back with another video. So, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ फॉर योर बैक. मैं आपको दोनों विड्थ एंड थिकनेस के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आपकी बैक की ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी होगी. सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसमें मैं आपको हर एक मसल ग्रुप के टॉप 5 एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे कि ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक एक्सेट्रा. सो आपको इन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एंड प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे आ रही होगी. सो गो वॉच दैट वीडियोस फॉर टॉप 5 एक्सरसाइज ऑन ऑल द मसल ग्रुप्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इज डेडलिफ्ट. तो डेडलिफ्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जिससे कि आप आपकी पोस्टीरियर बॉडी को, बैक साइड ऑफ द बॉडी को टारगेट कर सकते हो एंड इस एक्सरसाइज से आपकी ओवरऑल बैक डेवलपमेंट होती है. इट्स अ कंपाउंड एक्सरसाइज जिससे आप मल्टीपल मसल्स को टारगेट करते हो. सो इसके साथ साथ ये आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड ट्रैक्स के भी ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है. सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको हेवी जाना है. सो इस एक्सरसाइज में आपकी रेप रेंज रहेगी फ्रॉम 6 to 10. सो ये डेडलिफ्ट एक अलग ही स्पोर्ट है एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज. तो मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है, मैंने 68 kg बॉडी वेट पे 200 kg लिफ्ट किया था. सो अगर आपको सिर्फ आपकी डेडलिफ्ट इम्प्रूव करनी है देन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन डेडलिफ्ट. यहाँ पे आपको लिंक आ रही होगी, क्लिक ऑन दिस वीडियो टू वॉच दैट वीडियो. अगर आप आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हो तो गो वॉच दैट वीडियो. मूविंग टू द सेकेंड एक्सरसाइज, पुलअप्स. ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे कि आप आपके बैक की विड्थ बढ़ा सकते हो. ये एक्सरसाइज आपके लैट्स को टारगेट करती है एंड इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपकी रेप रेंज रहेगी फ्रॉम 8 to 15 रेपिटेशन. अगर आपको 15 रेपिटेशन ईजी जाते हैं देन यू कैन एड वेट फॉर द रेजिस्टेंस एंड अगर आपको 8 से कम रेपिटेशन जाते हैं देन यू कैन डू नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला हूँ. थर्ड एक्सरसाइज जो हम करने वाले इट्स गोइंग टू बी लैट पुल डाउन. ये आपकी विड्थ पे फोकस करती है एंड दिस इज मच मोर सिमिलर टू द पुलअप्स. अगर आपको पुलअप्स नहीं जाते देन यू कैन फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज एंड अगर आपको पुलअप्स बहुत इजीली जाते हैं देन आल्सो यू कैन फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज बाय इंक्रीजिंग वेट एंड रेपिटेशंस. एक्सरसाइज आपके लैट्स पे फोकस करती है. ये एक्सरसाइज आपकी बैक की विड्थ बढ़ाती है एंड मैं आपको रेपिटेशंस एंड सेट्स एंड में बताऊंगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. So the fourth exercise we are going to do is barbell rows. ये एक्सरसाइज आपके लोअर एंड मिडल बैक को टारगेट करती है एंड इस एक्सरसाइज से आपकी बैक की थिकनेस बढ़ जाएगी. देयर इज अ कोट इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, रो टू ग्रो. सो आपको रोज परफॉर्म करने हैं टू ग्रो योर बैक. ये आपकी मिडल एंड लोअर बैक को टारगेट करते हुए आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी मदद करती है. So the last and the fifth exercise is going to be single hand dumbbell rows. So ये exercise आपकी back की thickness बढ़ाती है. So this is similar to barbell rows but आप इस exercise में barbell rows से भी अच्छा mind muscle connection कर सकते हो. So these were my top 5 exercises for back and you can include this exercise for your overall development of the back. So moving to the repetition and sets, तो deadlift के आपको 4 working sets करने and 2 warm up sets करने. आपकी working sets में rep range रहेगी from 6 to 10 repetition. आपको deadlift failure तक नहीं करनी है because इस exercise से आपको severe injuries हो सकती है and आपके next 4 exercise के मतलब pull ups, lat pull down, barbell rows and dumbbell rows के 10 to 15 repetitions करने जिसमें आप फेलियर तक जा सकते हो बट डू नॉट निगलेक्ट योर फॉर्म. आपको इन हर एक्सरसाइज के 4 सेट्स करने हैं. आप बैक को ट्रेन करते हो, बेल्ट का यूज कर सकते हो फॉर द सपोर्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. आई मेक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट लाइक ब्लॉग्स, हेल्दी रेसिपीज, वर्कआउट वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एक्सेट्रा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट सब्सक्राइब करके जाना एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.